हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ग्रैंड लीग जीतने का 100% राज बताने वाला हूं, जिससे कि आप टीम चाहे जितना रिस्की बना लो, आपका एंट्री फीस कभी नहीं डूबेगा। आपका एंट्री फीस तो वापस आ ही जाएगा, और थोड़े भी ठीक ठाक टीम बन गए तो आपकी टीम अच्छी खासी रैंक करेगी। यहाँ तक रैंक वन आकर अच्छे खासे अमाउंट को विन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं 100% विनिंग जोन। तो आप चाहे जितना रिस्की टीम बना लो, जितनी भी ख़राब टीम बना लो, अपना एंट्री फीस तो वापस करा ही दोगे, और थोड़े भी ठीक ठाक टीम बन गए तो आपकी टीम अच्छी खासी रैंक कर जाएगी। देखो यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं, अभी मैच स्टार्ट ही हुआ है इसलिए पॉइंट कम देख रहे हैं, फिर भी मेरा रैंक 27 है। भले टीम जैसा भी रैंक करे, लेकिन एंट्री फीस तो वापस आ ही जाएगा, क्योंकि 100% विनिंग जोन है। अब टीम कॉम्बिनेशन बनाते हो, वैसे कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर लेते हो जहाँ पे 50-60% विनिंग जोन रहता है, जिससे कि कुछ टीम विनिंग जोन में रहता है और कुछ टीम विनिंग जोन से बाहर चला जाता है। जो टीम बाहर जाता है वो आपका लॉस करवा देता है, जबकि यहाँ पर आपको 100% विनिंग जोन मिलता है, तो यहाँ पर लॉस के कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन इस तरह के कॉन्टेस्ट को टारगेट करना होगा, साथ ही साथ टाइम देना होगा। तो आज मैं आपको सारा सीन क्लियर बताने वाला हूं, साथ ही साथ आपको थोड़े ठीक ठाक टीम बनाने होंगे, क्योंकि यहां पे भी मेंबर ठीक ठाक रहते हैं और प्राइस भी अच्छे खासे मिलते हैं। तो इस तरह के आप जब कॉन्टेस्ट में टीम बनाने वाले हो, तो फिर आपको कॉम्बिनेशन भी ठीक ठाक बनानी होगी। भले आपका लॉस नहीं लग रहा है, लेकिन आपको जीतना है तो आपको कॉम्बिनेशन सही से बनाना होगा। और यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा टीम कॉम्बिनेशन बनाएं, यहां तक कि 20 टीम कॉम्बिनेशन बनाए, जिससे कि आपके जीत की संभावना और बढ़ जाए, क्योंकि लॉस की कोई संभावना ही नहीं है, आपको 100% विनिंग जोन मिलता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस टाइम में आपको इस तरह के कॉन्टेस्ट मिलते हैं और किस टाइम में ज्वाइन करनी चाहिए, किस तरह से टीम कॉम्बिनेशन बनानी चाहिए। तो देखो, इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको फैंटेसी एक्सपर्ट में मिलता है, तो इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सीधा नोटिफिकेशन में मिलता रहे। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो कि इस तरह के कॉन्टेस्ट में आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया करूंगा, जहां आपको फाइनल ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम भी मिल जाती है। साथ ही साथ मैच प्रिडिक्शन, कोई भी न्यूज़ अपडेट आते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिनअप कर दिया है। आप जाओ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करते हैं कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए होंगे। 100% विनिंग जोन वाला कॉन्टेस्ट देखने के लिए आप किसी भी मैच को खेलने जा रहे हो, तो जब टॉस होता है, लाइनअप आते हैं, लाइनअप जब खत्म होने वाला होता है, तो लास्ट के 2 से 3 मिनट के अंदर आपको उस तरह के कॉन्टेस्ट को टारगेट करने होते हैं। जैसे जनरली लोग टीम बनाते हैं और टॉप के जो ग्रैंड लीग होते हैं उसमें कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर देते हैं, जबकि कभी स्क्रॉल करके नहीं देखते हैं। जनरली लोग स्क्रॉल करते ही नहीं है कि नीचे किस तरह का कॉन्टेस्ट है। वैसे आपको इस तरह के जो कॉन्टेस्ट दिखेंगे, तो लास्ट में 1-2 मिनट बचेगा, उस टाइम में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना होता है। उससे पहले आपको ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन पहले से बनाकर रखनी होगी, क्योंकि आपके पास 1 से 2 मिनट ही रहेंगे, तो उस टाइम में आप टीम कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। आप टीम कॉम्बिनेशन पहले से बना कर रखोगे, तो जैसे ही आपको कॉन्टेस्ट दिखेगा, आप सीधा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लोगे, जिससे कि आप आसानी से टीम ज्वाइन करो और आपके जीतने की संभावना बढ़ जाए। तो उसके लिए आपको टीम कॉम्बिनेशन बनानी होगी, तो पहले देख लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। तो टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको एक मैच सेलेक्ट कर सकते हो, तो फिलहाल एक ही मैच दिख रहा है, आयरलैंड और श्रीलंका के बीच ये वुमेन्स मैच का T20 मैच होने वाला है। तो इसमें टीम कॉम्बिनेशन किस तरह से बना, तो उसके लिए थोड़ा देख लेते हैं। जनरली लोग अगर एक से अधिक टीम बनाते हैं तो करते क्या हैं कि सपोज डैट, जैसे कि विकेट कीपर में ये 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पे किसी टीम में इनको रख लिए, किसी टीम में इनको रख लिए, एक टीम में इनको ड्रॉप किए, एक टीम में इनको ड्रॉप किए। तो हुआ क्या कि सपोज डैट अगर दोनों चल गए, तो आपका दो टीम तो वैसे भी खराब हो गया। उसी तरह बैटिंग सेक्शन में भी करते हैं, बैटिंग सेक्शन में भी कभी इनको ले लिए, किसी टीम में इनको ले लिए, कभी इसको ड्रॉप कर दिए, कभी इसको ड्रॉप कर दिए। तो इस तरह से लेकर ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ये सीधा का सीधा इस तरह के टीम कॉम्बिनेशन बनाना पूरा का पूरा गलत है। सबसे पहले आप एक सेफ टीम बना लो, तो सेफ टीम आप वो टीम बनाओ जो कि सारे हायर सेलेक्शन परसेंटेज पिक करके, तो सारे हायर सेलेक्शन परसेंटेज प्लेयर को आप पिक करके एक टीम बनाओगे, तो आपके पास एक सेफ टीम बन जाएगा, जिससे आप देख लेना कि किस तरह के प्लेयर को लोग जनरली लोग लेकर जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि ये जो टीम है, तो यहाँ पे श्रीलंका के बॉलर को लोग ज़्यादा फेवर दिए हैं और इनके बैट्समैन को इग्नोर किए हैं, अगेंस्ट टीम के बैट्समैन को फेवर दिए हैं। तो आप यहीं पे समझो कि यहाँ पे जब श्रीलंका के सारे बॉलर को लेकर आ रहे हो, तो अगेंस्ट टीम के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को लेकर आओगे, तो ये टीम तो वैसे भी फ्लॉप हो जाएगी। जबकि इस तरह की टीम 80 से 90% लोग बना रहे हैं, किसी में इस प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हैं, किसी में इसको ड्रॉप कर रहे हैं, इसी तरह से
जनरली लोग टीम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो ये इस तरह से टीम कॉम्बिनेशन बनाना सीधा का सीधा गलत होता है। इस तरह की टीम आपको कभी भी रैंक वन दिला नहीं सकता। जैसे कि दोनों टीम की प्लेइंग 11 है, प्लेइंग 11 में वो 11 प्लेयर चुनने होते हैं जो आज के मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वाले हैं। तो जैसे कि हमने एक सेफ टीम बनाया 11 प्लेयर का, जिसका सारे के सारे टीम में हायर सिलेक्शन है, तो हायर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर को पिक करके आप एक टीम बना ले, और वही सारे बड़े प्लेयर में 6 से 7 प्लेयर जो कि सेफ रहते हैं, 100% परफॉर्म देने में सक्षम रहते हैं, और वही प्लेयर परफॉर्म करते हैं, तो आप दोनों टीम के टोटल 22 प्लेयर में कम से कम 7 प्लेयर कम से कम चुन ही लें जिसको आप कॉमन बना सके। जैसे ही आप मैच स्टैट पे आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर पिच रिपोर्ट भी दिख जाता है और प्लेयर के सारे स्टैट दिख जाता है। तो सबसे पहले आपको ड्रीम टीम का हिस्सा देखना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो ऐसे प्लेयर हैं जो 100% ड्रीम टीम के हिस्सा बन रहे हैं लगभग सारे मैच में, जो लास्ट के 5 मैच होते हैं उसका रिकॉर्ड होता है, उसके हिसाब से ये लास्ट के 5 मैच में ग्रैंड लीग के हिस्सा बने हैं, ग्रैंड लीग के टीम में ये अपना जगह बना लिए। तो आप ये समझो कि कोई प्लेयर 5 के 5 मैच में ड्रीम टीम ग्रैंड लीग में अपना जगह बना रहे, तो वैसे प्लेयर को आप लेकर चल सकते हो यार। अगर मान लेते हैं कि फ्लॉप भी जाते हैं तो कोई नहीं, कोई प्लेयर 5 मैच जिताता है, 1 मैच फ्लॉप कराता है, तो वैसे प्लेयर को आप लेकर जा सकते हो। हर एक मैच में आप नहीं जीत सकते, किसी किसी मैच में आपका टीम फ्लॉप होगा ही। वैसे तो इनके लिए आपको और भी कई सारे स्टैट देखने होते हैं, जिसके लिए मैं पूरा प्रॉपर वीडियो बना रखा हूं, जो कि पीछे वीडियो है। आप देख ग्रैंड लीग में अपना जगह ज्यादा बना रहे हैं तो वैसे प्लेयर को आप ले जा सकते हो। तो इस तरह के प्लेयर को आप 6 से 7 प्लेयर को अगर पिक कर लोगे, उसको आप कॉमन बना दोगे, बाकी प्लेयर को ही रोटेट करना है, तो आपके पास टीम बनाना काफी आसानी होगा। कभी आप इसको ड्रॉप कर दिए, कभी इसको ड्रॉप कर दिए, तो इससे आपकी कोई भी टीम रैंक नहीं करती है, क्योंकि सारे टीम में 2 से 3 प्लेयर फ्लॉप हो जाता है। जबकि आप इस तरह से टीम बनाते हो तो आपके जीतने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस तरह के प्लेयर अक्सर परफॉर्म करते ही करते हैं। साथ ही साथ आपको पिच रिपोर्ट और भी बहुत सारा स्टैट देखना होता है, जिसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने क्लियर बताया है कि कौन से पॉइंट देखकर आप और भी कौन से पॉइंट को देख सकते हो, जिससे कि आप 100% गारंटी कर सकते हो कि ये प्लेयर का फिर से परफॉर्म आएगा ही आएगा। तो इस तरह के प्लेयर का चयन करने के लिए आपको सारे स्टैट देखने होते हैं। वैसे फिर से मैं वापस आ जा रहा हूं, क्योंकि मैं मैच का स्टैट नहीं दिखा रहा हूं। अब देख लो टीम कैसे बनाना है। तो जैसे कि हमने बताया 6 से 7 प्लेयर को आप फिक्स मान ले। फिक्स मानने से होगा क्योंकि जब आपके पास 7 प्लेयर फिक्स हो जाएंगे तो बाकी प्लेयर को ही रोटेट करना है। उसमें आपको 2 से 3 प्लेयर ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी यूज करना है। तो ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी आप लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर को पिक कर सकते हो। वैसे तो मैच के कंडीशन पर पिक किया जाता है, जैसे कि आपको कई सारे प्लेयर बॉलिंग सेक्शन से भी मिल जाएंगे। जैसे कि एक तरफा श्रीलंका के बॉलर को लोग लेकर जा रहे हैं, श्रीलंका अगर पहले बैटिंग करते हैं तो ये वुमेन्स वाले मैच में विकेट ज्यादा गिरता है, तो आप आयरलैंड के बॉलर को बना सकते हो, जो बॉलर अच्छी होगी, जिनके विकेट मिलने की संभावना होगी, इस तरह के बॉलर को आप बना सकते हैं। उसी तरह यहां पे कुल्लो सूर्या है, जो कि श्रीलंका की तरफ से काफी बेहतर बॉलर है, पिछले मैच में परफॉर्मेंस नहीं दी तो इनका सिलेक्शन काफी लो है, तो श्रीलंका पहले बॉलिंग कराती है तो इनको आप ले सकते हो। तो लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर को आप ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी बना सकते हो, जिसे अपने ग्रैंड लीग की टीम में ले सकते हो। अब यहां पर 7 फिक्स प्लेयर जो लिए उसको पहले सेलेक्ट कर लो, उससे होगा कि टीम बनाना काफी आसानी होगा। उसके बाद आप अलग अलग जो बाकी प्लेयर बचे हैं उनको रोटेशन में रखकर आप टीम कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कभी इनको लो, कभी इनको लो, अगर दोनों में से एक भी चलता है तो आपकी एक टीम रैंक करेगी, किसी टीम में आप दोनों को ले जा सकते हो। तो इस तरह से टीम कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो इस तरह से आप सारे स्टैट को देखकर टीम कॉम्बिनेशन बना लिया करें। वुमेन्स वाले मैच में ज्यादातर से प्लेयर ही परफॉर्म करते हैं, तो आप ज़्यादातर सेफ प्लेयर को ले जा सकती हो। अब देख लेते हैं ये 100% विनिंग जोन वाला कॉन्टेस्ट कहाँ मिलता है। तो देखो, जैसे ही टॉस होता है, टॉस होने के बाद लाइनअप आता है, लाइनअप से हमें ये पता चलता है कि कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं, कौन नहीं खेलेंगे। उसके बाद आप देखोगे आपको फ्रंट में टाइम शो होता रहता है कि लाइनअप ख़त्म होने के लिए कितना मिनट बचा हुआ है, जिससे कि आपको उसके अंदर ही टीम बनाना होता है। तो जैसा कि आप टीम बनाकर पहले से रखे हुए हो, आपके पास लास्ट के जब 2 मिनट बचेंगे
तो आप कॉन्टेस्ट देखने लगना कि कौन सा कॉन्टेस्ट नया आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 77,000 मेंबर है, यहाँ पे 48,000 मेंबर है। 77,000 मेंबर में अभी भी 32,000 मेंबर खाली है टीम ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पे टाइम कितना है, 1 सेकेंड है। तो 1 सेकेंड में आप टीम तो ज्वाइन नहीं कर सकते। जैसा कि मेरे पास 40 सेकेंड था तभी मैं ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया था, उसी तरह ये भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया था। अब यहाँ पे देखो कि 61% जो विनिंग जोन है, अब यहाँ पे टाइम ख़त्म हो गया लाइनअप का। अब 61% लोग ही ज्वाइन किए या उससे भी कम लोग ज्वाइन किए, तो ये जो कॉन्टेस्ट ग्रांटेड होता है, ग्रांटेड में पहले ही अमाउंट अनाउंस हो जाता है कि कितना एक रैंक पे प्राइज मिलेगा और 61% तक कितना प्राइज मिलेगा। तो अब यहाँ पे ग्रांटेड कॉन्टेस्ट का यही मतलब होता है कि जो कॉन्टेस्ट फुल भी ना हो, ये ग्रांटेड है, आपको प्राइज मिलेगा। तो ऐसे कॉन्टेस्ट अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो ये कॉन्टेस्ट फुल नहीं हो पाया, तो यहाँ पे 60% से कम ही लोग ज्वाइन कर पाएंगे, तो ये सीधा 60 से जो है ये 100% विनिंग जोन हो जाएगा। उसी तरह ये जो कॉन्टेस्ट है इसमें थोड़ा ज़्यादा लोग ज्वाइन हो गए हैं, तो यहाँ पे जो 60% विनिंग जोन है तो यहाँ पे टाइम तो ख़त्म हो गया, तो ये कम से कम 90% तक विनिंग जोन हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉस लगने की संभावना बहुत कम रहती है। तो आपके पास जो लास्ट के 2 मिनट बचते हैं उस टाइम में खोजना स्टार्ट कर दें कि कौन सा नया कॉन्टेस्ट आया है। जो कॉन्टेस्ट नया आया रहेगा तो लास्ट के जो 1 मिनट बचते हैं उस टाइम में आप देख लें कि कॉन्टेस्ट आधा से ज़्यादा खाली है या कितना खाली है, 1 मिनट में ये फुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कोई भी कॉन्टेस्ट अगर 1 लाख के अंदर है, 70-80 हज़ार मेम्बर वाला कॉन्टेस्ट है और यहाँ पर 1 ही मिनट आपके पास बचा हुआ है और आधा से ज़्यादा खाली है, तो आप समझ लेना कि वो कॉन्टेस्ट फुल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 ही मिनट बचा हुआ है। तो आप सीधा आंख बंद करके इस तरह के कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया करना, क्योंकि आप तो टीम ऑलरेडी बना कर रखे हो, आपके पास कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में 20 से 30 सेकेंड लगता है। तो आप ये समझो कि अगर और भी वेट कर सकते हो, आप 20 सेकेंड में टीम ज्वाइन कर लेते हो, आपका मोबाइल ठीक ठाक है, आपका नेटवर्क ठीक है, तो आप 20 सेकेंड देख लेना। यहाँ पे आपके पास जैसे ही आपके पास 40 सेकेंड बचेंगे, यहाँ पे दिखाता रहता टाइम, आपके पास 40 सेकेंड बचेंगे, आप देख लेना कि लेना यहाँ पे आधा ही कॉन्टेस्ट ज्वाइन हुआ है, आपके पास अभी 40 सेकेंड है और 40 सेकेंड में आपको लगता है कि ये कॉन्टेस्ट फुल नहीं हो पाएगा, तो आप आँख बंद करके इस तरह के कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, जो कि यहाँ पर आपको 100% विनिंग जोन मिल जाएगा, क्योंकि 61% विनिंग जोन है और बाकी लोग ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप ये जो कॉन्टेस्ट है सीधा 100% हो जाएगा, 100% नहीं होगा। अगर ज़्यादा लोग ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ तक आएंगे, तो ये कॉन्टेस्ट 90% तक विनिंग जोन होगा, 80% तक विनिंग जोन होगा। आप जितना अपने आप को स्मार्ट बनाओगे, जितना आप टाइम दोगे, जितना एक्टिव रहोगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। और यही नहीं कि लास्ट में एक ही कॉन्टेस्ट आता है, एक साथ में बहुत सारे कॉन्टेस्ट आते हैं, देखना होता है, टारगेट करना होता है। वैसे बहुत सारे लोगों को इस तरह का कॉन्टेस्ट शो नहीं होता है इसका रीजन है कि वो टॉप के ग्रैंड लीग खेलते हैं, तो टॉप के ग्रैंड लीग खेलने वाले को इस तरह का कॉन्टेस्ट शो नहीं होगा। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना जी, जो कि जैसे ही इस तरह का कॉन्टेस्ट आएगा और मुझे लगेगा कि ये कॉन्टेस्ट फुल नहीं होगा, उसका लिंक मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिससे कि आप पटाख से ज्वाइन कर लेना और आपके अपने जीत के चांस जो है बढ़ा लेना। लेकिन आपको टीम जो है वो ठीक ठाक से बनानी होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। इसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सीधा नोटिफिकेशन में मिलता रहे। साथ में वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।